बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आज हम आपको क़िला रोहतास की सैर करवाने जा रहे हैं। क़िला रोहतास इज़ लेगेसी ऑफ सब कॉन्टीनेंट्स लाइन्स किंग, यानी क़िला रोहतास एक अजीम बादशाह शेरशाह सूरी की याद दिलाता है। क़िला रोहतास झेलम शहर से 18 किलोमीटर रावलपिंडी की जानब और दीना शहर से 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जो शेरशाह सूरी के हुक्म पर 16वीं सदी ईस्वी में राजा टोडरमल ने तामीर किया था। इस किले का मकसद इलाके के बाअसर कबाइल को अपनी हदूद में रखना और मुग़ल बादशाह हमायूं को सब कॉन्टीनेंट में दाखिले से रोकना था। शेरशाह सूरी एक अजीम लीडर, इसका असल नाम फरीद ख़ान, इसके बाद वालद हसन ख़ान सोर अफ़ग़ानिस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। वो मामूली जागीरदार थे मगर दलेर, पुरजोश, जवामर्द और ओलुल अज़्म शेरशाह ने मुग़ल सल्तनत के बुनियाद गुजार बाबर के साहबजादे हमायूं को शिकस्त फाश दी और अपनी एक अजीम सल्तनत बड़े सगीर में कायम की। शेरशाह सूरी के यूं तो बहुत सारे कारनामे हैं। शेरशाह सूरी का एक और कारनामा जीटी रोड की बुनियाद रखना भी था। ये रोड पंजाब के बहुत सारे शहरों को आपस में जोड़ती है और इंडिया तक वसत रखती है। अलगर्ज क़िला रोहतास एक अजीम शान बादशाह की याद दिलाता है। इसके दाखिली दरवाजे से गुजर कर बुलंदोबाला दरवाज़ों से गुज़रने के बाद किले के अंदर पहली नज़र राजा मान सिंह की हवेली की बाकियात पर पड़ती है। एक ऊंची इमारत जो माजी में मजबूत और हाल में कुछ बदहाल नज़र आती है, इसके बावजूद इसकी कशिश आपको अपनी जानब खींच लेगी। राजा मान सिंह मुग़ल बादशाह अकबर का मोस्ट
ट्रस्टेड वजीर था जो शेरशाह की वफ़ात के बाद इस इमारत में काफ़ी अरसा तक क़याम पज़ीर रहा। क़िले की फसील जो चारों तरफ मदम गुलाबी रंग के मज़बूत पत्थरों से बनी है, आपको कुछ लम्हों के लिए तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती है और गुज़रे लम्हों की शान और शौकत का पता भी देती है। लेकिन यहाँ भी मसला शिकस्त व रेख्त का है। हवेली के टीले पर चढ़ने के लिए बाकायदा रास्ता नहीं है, यानी हर वक़्त पैर फिसलने का ख़तरा मौजूद रहता है। वसील पर चढ़ने के लिए पुरानी सीढ़ियां भी पूरी तवज्जो मांगती हैं। क़िले में पानी का इंतज़ाम बावली की शक्ल में मौजूद है। पानी तक रसाई के लिए 150 के करीब जीने तय करने पड़ते हैं, तब आप पानी तक पहुंच पाएंगे। सीढ़ियों से उतरना और चढ़ना एक खूबसूरत ख्वाब की मानिंद लगता है। क़िले के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर अजीम-ओ-शान गेट बनाए गए हैं। चांद वाला दरवाज़ा, सोहेल गेट, काबली दरवाज़ा और शाही मस्जिद काबिले ज़िक्र मकामात हैं, जिन तक पहुंचने के लिए अंदर ही अंदर कई किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। पर जैसे जैसे आप उनके करीब होंगे, इस क़िले को ख़ुद पर हावी होता हुआ महसूस करेंगे। इस क़िले की खामोशी उसे मज़ीद पुरअसरार बना देती है, जो इंसान के अंदर तक सराहत करने लगती है। क़िले के फसील से आप इर्द गिर्द का पूरा इलाका देख सकते हैं। इस अजीम-ओ-शान क़िले तक रसाई के लिए आप दीना चौक से रेलवे रोड के ज़रिए 5 से 6 किलोमीटर तय करने के बाद क़िले तक पहुंच सकते हैं, या दीना पुल के करीब बाईपास रोड के ज़रिए, जो ख़ास तौर पर कलरतास तक पहुंचने के लिए बनाई गई है, के ज़रिए कलरतास पहुंच सकते हैं। इस क़िले की मेन अट्रैक्शंस जो देखने के लायक हैं, नंबर 1 शेरशाह सूरी म्यूज़ियम एट सोहेल गेट। सोहेल गेट के करीब शेरशाह म्यूज़ियम बनाया गया। नंबर 2 विजिटर्स इंफॉर्मेशन सेंटर एट सोहेल गेट, जो सयाह यहाँ पे आते हैं उनके इंफॉर्मेशन के लिए, मालूमात के लिए सोहेल गेट के साथ एक सेंटर बनाया गया। 3 बरी बावली, यानी वो कुआं जिसमें सीढ़ियाँ बनी गई, और इस कुएं में 134 स्टेप्स जो आप उतरने के बाद कुएं के पानी तक पहुंच सकते हैं। नंबर 4 हवेली मानसिंह, जिसका हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं, जो
कला रोहतास के एंट्रेंस गेट से गुजरने के बाद जो सबसे पहली इमारत है, दैट इज हवेली मानसिंह। नंबर 5 रानी महल। नंबर 6 फांसी घाट। फांसी घाट वो जगह है जहाँ पे कल्प्रट्स को फांसी दी जाती थी। 7 शाही मास्क मस्जिद। 8 शीशी लंगर खाना गेट। 9 शाही बौली, ये भी कुआं है। नंबर 10 तलाकी गेट। मुख्तसरन ये कि रोहतास फोर्ट इज़ एन एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ऑफ द मुस्लिम मिलिट्री आर्किटेक्चर ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, यानी 16वीं सदी ईस्वी में रोहतास फोर्ट जो था वो मुस्लिम मिलिट्री का एक सेंटर था जो 16वीं सदी में बनाया गया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और यहाँ पे गखड़ कबायल जो थे वो मुंह जोर हो चुके थे उनको रोकने के लिए, और मुग़ल बादशाह हुमायूं का रास्ता रोकने के लिए ये महल तामीर किया गया था, कला तामीर किया गया था। बहुत खूबसूरत कला, देखने के लायक, ज़रूर तशरीफ़ लाएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आइंदा भी इस किस्म की अच्छी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकें और आप तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।